स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन 2024। ठीक है, यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और यदि आपने अभी कॉलेज स्टार्ट ही किया है या आपने कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, किसी भी ईयर में यदि आपको, तो इंटर्नशिप आप किस तरीके से गेट कर सकते हो, मतलब इंटर्नशिप कैसे आपको मिले, कैसे अच्छी कंपनी में आप एक इंटर्न की जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाए, इन सब के बारे में पूरा का पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ और इसके बारे में पूरा डिस्कशन आपको करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट, जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनके अंदर आप एज अ इंटर्न कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप बहुत अच्छा पैकेज भी एज अ इंटर्न गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि देखो, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है। अब वैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और डायरेक्टली फिर इसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस पर आप काम करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इंटर्नशिप में डायरेक्टली आपको सिर्फ प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। तो जनरली ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको खुद सीखना है। ठीक है, और उसके छोटे छोटे सीखना कैसे, आपको छोटे छोटे प्रोग्राम से सीखना, जैसे आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया, कोई सा भी लैंग्वेज लेकर के, उसको अपन बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट कहीं पर भी आपको दूर दूर तक नहीं होता। ठीक है, इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए कंपनी, डायरेक्टली आपको इंटर्नशिप के अंदर प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा और उसी प्रोजेक्ट पे आपको पूरा का पूरा काम करना हो। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस है। अब इंटर्नशिप के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना होगा, या कि आप खुद से ट्रेन हो जाइए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेनिंग कर सकते हो, वो भी जिस टेक्नोलॉजी में आपको इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, टाइप के इंटर्नशिप होते हैं। एक तो ग्लोबल इंटर्नशिप होता है जिसमें टेक्नोलॉजी आप डिसाइड नहीं करते हो, वो कंपनी डिसाइड करती है। आपका सिर्फ एक बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तो कंपनी खुद आपको एज अ इंटर्न ऑफर करे। दूसरा ये होता है टेक्नोलॉजी वाइज इंटर्न के, जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि टेक्नोलॉजी वाइज इंटर्न यदि आपने अप्लाई किया है तो आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो जो उस टेक्नोलॉजी से बिलोंग हो। खासतौर से जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटर्न को ज्यादा हायर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का कोई भी कोर्स कर लीजिए या मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसका एक पोर्टफोलियो आप अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करिए। दूसरा ये है कि आप जावा या कोई भी वेब डेवलपमेंट के अंदर चले जाइए और उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट बना करके, उसका एक पोर्टफोलियो बना करके अपने रिज्यूम के अंदर बताइए कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर आपने HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, ये आपने फ्रंट एंड में यूज किया है। ठीक है, बैक एंड के अंदर आपने Node.js या Python या जावा जो भी टेक्नोलॉजी है उसका आपने यूज किया, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटर्न होता है इसके अंदर आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यदि आप बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज सीख करके यदि आप इंटर्नशिप करते हैं तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम होगी। अब मैं बात करता हूँ कि इंटर्नशिप अब आपको अप्लाई करना चाहिए, कब आप इंटर्नशिप के लिए फिट होते। देखो, इंटर्नशिप के लिए एक्चुअली क्या है, जब आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को का इतना नॉलेज है कि आप उसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तभी आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत बड़ी कंपनी में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको एक बेसिक स्किल्स या एक फाउंडेशन के बेसिस पे भी हायर कर लेते हैं। लेकिन जो 80-90% कंपनियों का जो क्राइटेरिया होता है इंटर्नशिप के लिए, उनका ये होता है कि आपको एटलीस्ट किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट वर्क करते आना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको इंटर्नशिप में नहीं। तो इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर दिया, चलो ठीक है पार्ट टाइम में कुछ कमाते हैं, कमाने का आपको अर्न करने का यदि आपका इंटरेस्ट है। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि लर्न के बाद ही आप अर्न करिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको अर्निंग नहीं होगी। इंटर्नशिप उसी को प्रीफर किया जाएगा जिसको कुछ आता हो। ठीक है, तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप बिल्कुल इंटर्नशिप की तरफ मत जाइए। आप एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर आप पहले प्लान करिए कि आपको ये सीखना है। ठीक है, जैसे आप C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके बेसिस में भी बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, ये कंपनियां इनके बेसिस पे भी इंटर्न को हायर करती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपका जो कॉलेज का जो एकेडमिक स्कोर है, वो भी आपके इंटर्नशिप में डिपेंड करता है यदि आप कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर सबसे बेस्ट आपका मोमेंट होता है इंटर्नशिप के लिए। यदि आपने सेकेंड ईयर के अंदर किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर यदि आपने इंटर्नशिप किया है, तो ये आपके कॉलेज के अंदर जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जब आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो वहां पर आपके लिए गोल्डन मोमेंट होता है इंटर्नशिप का। तो सेकेंड ईयर के पहले पहले आप कोई भी मोबाइल टेक्नोलॉजी या वेब टेक्नोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।
ठीक है, इसके बाद फिर आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप ट्राई करिए इंटर्न के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप यदि आपने भले एक महीने, दो महीने, तीन महीने या चार महीने का किया है, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज और आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंपनी में आपको, जो आपके कॉलेज में कंपनी आती है उसमें आपको बैठने की जरूरत ही नहीं होती, आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा है तो कंपनी पहले से ही जॉब ऑफर कर देती है। बहुत सारे ऐसे जो टीयर वन और टीयर टू कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 50% आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप के बेसिस पे ही सिलेक्ट होते हैं। इसलिए आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है यदि आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, यदि आपका सेकेंड ईयर में यदि आपने इंटर्नशिप सर्च नहीं की, यदि आप टीयर थ्री कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप थर्ड ईयर के अंदर भी इंटर्नशिप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टीयर थ्री कॉलेज में आपको पता है कि कंपनी बहुत कम आती है और आती भी कंपनी है तो उसमें से जो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। इसलिए टीयर थ्री कॉलेज वालों को तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर भी इंटर्नशिप सर्च करना चाहिए, लेकिन इंटर्नशिप से पहले आपको बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है अभी इंटर्न के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखो टीयर वन और जो कॉलेज बच्चे हैं वो बड़े बड़े कंपनीज में जा सकते हैं, क्योंकि टीयर वन कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनी उनको प्रायोरिटी देती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप टीयर थ्री या टीयर टू कॉलेज के हैं तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत अच्छा बूस्टअप क्रिएट करेगा। इसलिए आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल लर्न करिए और उसके अंदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करिए। इस तरीके का पाथ आप इंटर्नशिप के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटर्नशिप यदि आपको ढूंढना है तो कैसे आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। इंटर्नशिप यदि आपको ढूंढना है तो सबसे बेस्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको इंटर्नशिप ढूंढने के पहले जो आपके कॉलेज के सीनियर, ठीक है, जो आपके सुपर सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स, उनसे आप कम्युनिकेशन करिए, उनसे आप कोलैबोरेशन करिए, उनसे आप डिस्कशन करिए, उनको अपने रेज्यूमे शेयर करिए, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये हो सकता है कि आपका टैलेंट यदि उनको अच्छा लगता है तो दे विल रेफरिंग यू, ठीक है, और साथ में वो भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इंटर्नशिप गेन किया। इससे 50% आपका जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगा इंटर्नशिप को सर्च करने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जितने भी कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप आपको ऑफर कर रही हैं वो लिंक्डइन के अंदर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन से आपको बहुत सारे जो टॉप कंपनीज उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जैसे आप गूगल को फॉलो कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो कर लीजिए, मतलब जितने भी टॉप 100 कंपनीज हैं उन सबको आप फॉलो कर लीजिए, उनके अंदर के जितने भी मैसेजेस हैं वो सब आपको दिखेगा, वहां से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर जो बड़ी से बड़ी कंपनी होती है वो दो बार इंटर्नशिप निकालती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में। जैसे गूगल है वो समर में आपको इंटर्नशिप निकालती है, फ्लिपकार्ट का भी समर सेशन रहता है इंटर्नशिप का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी इंटर्नशिप का सेशन रहता है। तो मतलब जो मोस्ट ऑफ द केस मार्च, अप्रैल, मई और जून ये जो आपका सेशन होता है इसमें बहुत सारे आपको इंटर्नशिप मिलते हैं, तो वो इंटर्नशिप भी के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक्डइन में आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, कवर लेटर आप शेयर कर सकते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ जो स्पेशली फॉर इंटर्नशिप के लिए ही बनी है, यहाँ से आप एज ए इंटर्न बहुत सारी कंपनियों को ढूंढ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे खास तौर से जो टीयर थ्री के बच्चे होते हैं, टीयर थ्री कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं जहां पर आप एज ए इंटर्न अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट वेबसाइट आज के डेट में जो चल रही है वो है इंटर्नशाला। आप इंटर्नशाला.com में जाइए और यहां पर आप रजिस्टर करिए अपने आप को एज ए इंटर्न, ठीक है, और वहां पर आप बहुत सारी कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ग्लास स्टोर भी आपने सुना होगा, ये भी बहुत ही फेमस साइट है, इसके लिए भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपनी का रिव्यू देख सकते हो कौन सी कंपनी इंटर्न को हायर कर रही है। नौकरी.com के अंदर भी आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हो। नौकरी.com के अंदर आप सर्च बार में जाइए और वहां पर आप सर्च करिए कि एज अ इंटर्न कौन सी कंपनी हायर कर रही है, वहां पर भी वैकेंसी अवेलेबल होता है, ठीक है। साथ में आपका हेलो इंटर्न करके भी एक वेबसाइट है, आप गूगल में डालिए हेलो इंटर्न, वहां से भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स इंटर्न करके भी वेबसाइट है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके माइंड में आता होगा क्या इंटर्नशिप में कंपनी आपको पे करती है कि सिर्फ आपको सर्टिफिकेट से ही विदा कर देते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, पर्क्स भी देते हैं, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यदि आपका इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो कुछ कंपनी आपको जॉब ऑफर भी करती है। जैसे मैंने बताया कि टीयर वन और टीयर टू के जो कॉलेज है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 50% स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंपनियां इंटर्नशिप के दौरान ही, इंटर्नशिप के बाद ही उनको जॉब ऑफर कर देती है। इससे कंपनी को भी एडवांटेज होता है कि कंपनी को कैंडिडेट से कंपनी यदि इंटरव्यू ले तो इंटरव्यू में किसी भी कैंडिडेट को जज करना इतना ज्यादा सिंपल वे नहीं होता। इंटरव्यू में कभी कभी कुछ कैंडिडेट क्या है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जब वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, उनका टीम बिल्डअप अच्छा नहीं होता, उनका कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होता, उनका एनालिटिकल स्किल्स अच्छा नहीं होता। लेकिन इंटर्नशिप एक ऐसा मौका होता है जिससे कंपनी उस कैंडिडेट के अंदर के हर स्किल्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर लेती है। तो इसीलिए आज के डेट में MNC है, बहुत बड़े बड़े जो कंपनी उनका ट्रेंड ही हो चुका है, इंटर्न को ज्यादा हायर करती है, उनको अच्छे से ट्रेन करती है, उनका पूरा इवेल्युएशन करती है और उसके बाद उनको जॉब ऑफर करती है।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो इंटर्नशिप का पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज दिया, आप इस नॉलेज को पूरी तरह से गेन करिए, ठीक है। और मैंने आपको जो ट्रिक्स बताए उन ट्रिक्स को आप फॉलो करिए, और आप ये ट्राई करिए कि आपको यदि पेड इंटर्नशिप यदि मिल रहा है तो पहली प्रायोरिटी आप पेड इंटर्नशिप को दीजिए, अदरवाइज यदि आपको फ्री इंटर्नशिप भी मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको जॉब ऑफर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बाद में आपको डिग्री के बाद आपको नहीं घूमना पड़ेगा, डिग्री के बाद अपना टाइम आपको खराब नहीं करना होगा, आपको एज अ इंटर्न ही जॉब गेट हो जाएगी। थैंक यू।